हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से एक नाम सुन रहा था, लीशियस लीशियस लीशियस। बहुत सारे ऐड भी देखा था बट कभी मैंने ट्राई नहीं किया, तो आज सोचा मैं इसको ट्राई करता हूँ। वैसे तो बहुत कुछ अवेलेबल था उनके साइट पे, बटर चिकन, चिकन अफगानी, ये सब तो हम लोगों ने बहुत बार ट्राई किया रेस्टोरेंट में और घर पर भी ट्राई किया है, बट कभी चिकन स्प्रेड ट्राई नहीं किया, तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने दो डिफरेंट तरह के चिकन स्प्रेड ऑर्डर कर लिए थे। इनके वेबसाइट पे मेंशन है आप इसको 8 डिफरेंट वेज से यूज़ करके खा सकते हो। तो मैं भी 2-3 तरह से स्प्रेड को ट्राई करने वाला हूँ और आपको भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे बनेगा। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ, बिकॉज ये वीडियो लीशियस के साथ बहुत ही डिलीशियस भी होने वाला है। मेरा नाम है फैजान एंड यू आर वॉचिंग एक्सप्लोर विद फैजान। तो ये मैंने दो डिफरेंट स्प्रेड्स ऑर्डर कर लिया था, एक है चंकी शॉर्मा चिकन और दूसरा है चंकी कॉन्टिनेंटल चिकन, और दोनों का प्राइस सेम ही है, ये आप देख सकते हो 199, और इस वाले का भी प्राइस है 199, और दोनों का नेट वेट भी सेम ही है। नेट वेट आई गेस 200 ग्राम है, ये आप देख सकते हो, नेट वेट 200 ग्राम, इसका भी 200 ग्राम है और इसका भी 200 ग्राम है। पैकेजिंग तो अच्छा, हर जगह ये लीशियस का ब्रांडिंग किया हुआ है, यहाँ यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने विथ रियल मीट चंक्स, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स कलर्स और एंड फ्लेवर्स, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर दिया है, बहुत छोटा सा लिखा, आपको समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं, मेक ए रैप और रोल विथ लीशियस स्प्रेड और उसके बाद यूज इट एज अ डिप फॉर नाचोस, वो यहाँ पे दिया हुआ है यूज इट टू स्पाइस अप योर सैलड, और लास्ट में दिया हुआ स्प्रेड इट ओवर ब्रेड एंड मेक ए क्लब सैंडविच। तो ये था चंकी कॉन्टिनेंटल चिकन का, ये 4 डिफरेंट वेज से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी चंकी शॉर्मा का दिखा दो, इसमें भी नीचे लिखा है, ऐसे आप देख सकते हो डिफरेंट तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ भी दिया हुआ है। तो अभी ज़्यादा नहीं बात करते, अब इसको पहले ओपन करते हैं क्योंकि अब बनाना है मुझे। तो यहाँ से ये रेड कलर का ये साइन दिया हुआ है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। तो पहले अभी हम ओपन करेंगे ये चंकी कॉन्टिनेंटल चिकन, क्योंकि मैं इसी से बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं अभी। तो ये मैं पहले एक स्पून ले लूँ, इसको देखते हैं कैसा है अंदर। ये आप देख सकते हो ये वाइट ग्रेवी, आई मीन क्रीमी टेक्सचर है, और इसमें छोटा छोटा बहुत कुछ ही मिक्स किया हुआ है। मुझे अब इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या है, बट बहुत छोटा छोटा सा इसमें चंक्स है चिकन का। तो अब इसको यूज़ करते हैं, दूसरा वाला ओपन करते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं पहले, इसको भी ओपन करके देखते हैं ये कैसा है। ये वाला हल्का रेडिश में है और देखते हैं अंदर कैसा है। ये जैसे शॉर्मा में होता है श्रेडेड श्रेडेड कटा हुआ, उस तरह से ये साइज़ में थोड़ा छोटा छोटा कटा है, बट वैसे इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको साइड में रख के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ चंकी कॉन्टिनेंटल चिकन, तो इसे मैं बनाऊंगा क्लब सैंडविच और टाको बेल, और उसके लिए मैंने ये ब्रेड ले लिया है, नॉर्मल ब्रेड लिया मैंने, मिल्क ब्रेड, और ये टाको बेल का ये शेल आ जाता है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या ऑफलाइन आप सुपर मार्केट में जाके ये भी आप ले सकते हो, ये टाको बेल का ये शेल। तो इसको मैं साइड में रख दूँ पहले इसको यूज़ करना, और इसके लिए आपको ये सिंपल सा ये सब कुछ चाहिए, ये आपको स्लाइस क्यूकम्बर चाहिए, स्लाइस टमेटो, लेमन, चाट मसाला और कोरिएंडर बस, और ये टाको बेल के लिए सालसा, सालसा में मैंने कैप्सिकम यूज़ किया, टमेटो यूज़ किया और अनियन यूज़ किया, आप देख सकते हो ये मैंने छोटा छोटा काटा है। पहले मैं अभी क्लब सैंडविच बना के आपको दिखाता हूँ, इसको मैं साइड में रख दूँ। तो पहले क्लब सैंडविच बनाते हैं, सबसे पहले ये निकाल के इसमें थोड़ा सा मैं चंकी स्प्रेड इसमें स्प्रेड करूँगा, इसमें मैं स्प्रेड कर लूँगा इसके हेल्प से। मैं स्प्रेड करने के बाद टमेटो ऐड करूँगा, इसके बाद मैं इसमें स्लाइस क्यूकम्बर ऐड करूँगा, फिर इसको दूसरे क्लब सैंडविच से कवर कर देंगे। सिमिलरली अभी इसमें भी थोड़ा सा स्प्रेड लगाएंगे, मुझे लगा था ये बहुत कम होगा बट 200 ग्राम ही आराम से, मतलब इसको 2 या 3 बार आप यूज़ कर सकते हो, एटलीस्ट 3 बार तो ये यूज़ हो ही जाएगा इजीली। तो इसको भी साइड में हम लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लो, और उसके बाद फिर अगेन सिमिलरली यहाँ पे कुछ मैं टमेटो ऐड करूँगा और उसके बाद क्यूकम्बर ऐड करूँगा, क्यूकम्बर स्लाइस, बहुत ही सिंपल है ये, 10 मिनट बन जाएगा। क्यूकम्बर ऐड करने के बाद इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सा स्प्रेड ऐड करूँगा,
बिकॉज ये फाइनल वाला मेरा लेयर होगा, इसमें थोड़ा सा और स्प्रेड ऐड करूँगा मैं ऊपर से। इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगा। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, या आप नहीं भी कर सकते हो। और फिर इसको फाइनली इसको क्लब सैंडविच से फाइनल वाले से इसको कवर कर देंगे फाइनली। और इसके बाद इसको फिर मैं बोथ साइड बटर से थोड़ा सा सेक दूंगा तवे पे। तो गैस ऑन कर लेते हैं, फ्लेम को थोड़ा लो ही रखते हैं। इसको तवे पे पहले बटर थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, और अब हमारा ये आमंड बटर काम आने वाला है। बस इसको निकाल के थोड़ा सा ऐसे ग्रीस कर लेंगे, दैट्स इट, एनफ है। इसको वापस से रख देंगे, थोड़ा सा फ्लेम हाई कर लेंगे, और इसके बाद बस ये क्लब सैंडविच को इसमें रख देंगे, और बस अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही सेक लेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2-3 मिनट में हो जाएगा। इसको दोनों तरफ ही सेकेंगे, एक साइड पहले ये हो जाए प्रॉपर, चेक करते हुआ कि नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आगे सब ये हो गया होगा, 2 मिनट में ही हो जाता है। इसको पकड़ के धीरे से फोल्ड कर देंगे, एकदम मस्त रेड हो गया है, अब देख सकते हो आप। और ये वाला बटर को मैंने जो सब तरफ ग्रीस किया था उससे थोड़ा सा घुमा के वही बटर को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए, बटर काफ़ी महंगा है। ये भी 2 मिनट में हो जाएगा, और आई थिंक ये हो गया। सबसे पहले फ्लेम बंद कर देंगे, और ये हो गया मेरा क्लब सैंडविच रेडी। ये सब तरफ से एकदम रेड हो गया, आप देख सकते हो। तो इसको अभी ट्राई नहीं करेंगे, पहले भी दूसरा वाला बनाते हैं, अब टाको बेल बनाते हैं। इसको पहले भी हम साइड में रख देते हैं। तो अब बनाते हैं टाको बेल, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो ये शेल पहले ले लेंगे, शेल में मैं पहले स्प्रेड इसमें देना होगा थोड़ा थोड़ा। शेल में पहले आपको सिमिलरली थोड़ा सा स्प्रेड आप दोगे, सबसे पहला वही चिकन चंकी, मैं कॉन्टिनेंटल वाला यूज़ कर रहा हूँ इसमें भी। तो इस तरह से आप शेल में पहले इसमें भर दोगे, उसके बाद इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये सालसा में मैं थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद सालसा इसमें थोड़ा सा फिल कर देंगे इस तरह से इसमें सालसा फिल कर देंगे। और आप चाट मसाला ऐड भी कर सकते हो या नहीं भी ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये हो गया, इसी तरह सिमिलरली दूसरा वाला भी उसी तरह से चिकन, इसमें ये चिकन स्प्रेड फिल कर देंगे पहले, इस तरह से आप प्रॉपर सब तरह से फिल कर लेना। उसके बाद ये ऊपर से सालसा ऐड हो जाएगा, ये इसमें मैंने कर दिया अच्छे से फिल, इसको साइड कर दिया। इसके बाद अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रेट करना होगा, तो ये दो मैं बाद में कर लूँगा, पहले आपको मैं दिखा दूँ चीज़ ग्रेट करके इसको कंप्लीट करके। प्रोसेस चीज़ मैंने अमूल का लिया है, ये इसको पैकेट को खोल, फाइनली खुल गया। तो अभी इसको ग्रेट कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छे से ऐसे सब तरफ से ग्रेट कर लेंगे चीज़। ये वाला हो गया, अभी दूसरे वाले में करते हैं। मैं ऐसे करके कर रहा हूँ, आप पहले से ग्रेट करके रख के फिर उसके बाद भी डाल सकते हो। ये मैंने अच्छे से इसमें कर दिया चीज़ स्प्रेड सारा, तो इसको अभी साइड में रख देते हैं। चीज़ क्यूब को इसे भी हटाते हैं अभी यहाँ से। ये मेरा टाको बेल बनकर रेडी है, ये देख सकते हो आप, मस्त हर तरफ से चीज़ में स्प्रेड हो गया है। ये तो अभी हो गया रेडी, मैं आपको अभी ये खा के दिखाता हूँ ये कैसा बना है। सबसे पहले हम खा के आपको दिखाते हैं सैंडविच कैसा बना है। ये मैंने
काट लिया था सैंडविच को, मैंने 20 से काट दिया था, अभी आप देख सकते हो ये, इसको खा के देखते हैं अभी कैसा है। खाने के बारे आए बोला नहीं जा रहा, बहुत टेस्टी है। मैं और एक बाइट लूंगा, सॉरी, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। मुझे तो ये वैसे 130 रुपीस का मिला, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बाय किया वेबसाइट से, तो वो कुछ कूपन दे रहे उससे मैंने बाय किया था। बट अगर ये 200, फिर नेक्स्ट अगर मैं लूँगा ऑब्वियसली वो 200 का ही मुझे मिलेगा। अगर प्राइस का 200 भी है तो भी ये बहुत मस्त है, और इसको आप एटलीस्ट, मैंने अभी इसका मतलब कुछ हाफ से भी हाफ मैंने यूज़ किया और ये एक क्लब सैंडविच बन के मेरा मतलब बन गया। तो आई मीन दो क्लब सैंडविच अगर आप खा लेते हो तो आप फूल हो जाते हो, तो मिनिमम आप इसको एटलीस्ट आप 4 सैंडविच तो आप बना ही लोगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ करोगे, अगर आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करोगे, ब्राउन ब्रेड थोड़ा सा बड़ा वाला भी यूज़ करोगे, तो एटलीस्ट आप 3 बार तो उसको बना ही लोगे। आप अच्छे से भी फिल करके मतलब अगर बनाओगे तो 3 बार भी आप बना ही लोगे। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी वर्थ है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत क्रीमी है, जो चिकन का चंक्स है बहुत ही टेंडर है, बहुत टेस्टी, बहुत बहुत टेस्टी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अब इसको मैं साइड में रखता हूँ, तो अब मैं ये टाको बेल ट्राई करता हूँ। ये भी टेस्टी लगा मुझे, ऑब्वियसली उसके जैसा नहीं लगा, वो बहुत टेस्टी था, बट ये भी टेस्टी है, मतलब ये ख़राब नहीं है एक्चुअली, वो चिकन की वजह से ही ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है। टाको बेल भी आप इससे बना सकते हो, ये भी अच्छा ही लगा मुझे, बट उसके जैसा नहीं लगा, ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्रेड के मतलब क्लब सैंडविच के साथ, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी है। ये कॉन्टिनेंटल स्प्रेड जो फ्लेवर है चिकन का, बहुत ही टेस्टी है ये। मतलब टाको बेल भी मुझे, मतलब वैसे टाको बेल उतना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मैंने 2 बार ही खाया है, बट इसके मतलब ये स्प्रेड के साथ मैंने इसको यूज़ करके खाया तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। बट आप अगर बोलोगे कि मुझे क्लब सैंडविच ज़्यादा अच्छा लगा या फिर ये टाको, तो ये 100% क्लब सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगा, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। और मुझे बहुत तेज़ भूख लगा था, मुझे बनाते खनाते मुझे भूख भी लग गया था, तो इसीलिए मैं शवरमा वाला भी ट्राई करता, मैं कभी और वो आपको दिखा दूँगा ट्राई करके ज़रूर। तो इसको मैं जल्दी से खा के ख़त्म कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपने मेरा आइसोमेट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आइसोमेट्रिक आइसक्रीम भी बहुत ही टेस्टी था, आपको उसको ज़रूर जाके ट्राई करना फ्रेंड्स, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। वैसे ही चंकी कॉन्टिनेंटल चिकन फ्लेवर मुझे एक मेरी बेस्ट फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, उसका नाम है शिमोई, सो थैंक यू सो मच शिमोई। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं कोई रेस्टोरेंट विजिट करूँ, आप देखना चाहते, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा फ्रेंड्स।